अस्सलाम वालेकुम आदाब नासरीन, आप तमाम का आरजेडएस 24 न्यूज चैनल में दिली खैर मकदम है। नासरीन, पुलिस का नाम सुनते ही हमारे और आपके दिलो दिमाग में सबसे पहले उनका जालिमाना रवैया ही हमारे सामने आता है। और आजकल के ऐसे माहौल में जहां हर रोज कत्ल, खातिलाना हमले और इस्मत रेजी के बढ़ते हुए केसेस से अवाम में पुलिस की इमेज और भी ज्यादा खराब होती ही जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चंद ऐसे ईमानदार और खुददार पुलिस ऑफिसर्स भी उभर कर आ रहे हैं जो कि अवाम की खिदमत करना अपना अव्वलिन फर्ज समझते हुए अपनी कारकर्दगी से अवाम के लिए फ्रेंडली पुलिस की जिंदा मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही ईमानदार और हमदर्द पुलिस ऑफिसर की हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसने ना सिर्फ एक चोरीशुदा फोन को बाजियाब कर लिया बल्कि फोन को उसके हकीकी मालिक के घर तक पहुँच कर उनके हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक सैयद मोहसिन नामी शख्स, जो कि पेशे से इलेक्ट्रिशियन है, जो कि फूल बाग चंद्रायन गुट्टा के रिहायशी है, उन्होंने अपना फोन जिसकी मालियत 30,000 रुपए है उसकी चोरी की शिकायत फलकनुमा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। सैयद मोहसिन का फोन कैम हॉस्पिटल से किसी ने चुरा लिया था। शिकायत पर अमल करते हुए फलकनुमा पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के एस रवि ने अपनी टीम के हमरा मसरूखा फोन को ना सिर्फ ट्रेस करते हुए बाजियाब कर लिया बल्कि DI रवि ने सैयद मोहसिन के घर तक जाकर उन्हें उनका फोन लौटाया। ऐसे हमदर्द और रियल हीरोज को RZS 24 न्यूज चैनल की जानिब से इज्जत भरा सलाम पेश किया जाता है।